नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, जन्म मरण से लेकर के अगला जन्म तक हर कुछ कर्मों के आधार पर होता है। इसी कारण से इंसान इस बात को अच्छे से समझ लेके उसका कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करता है। बहुत से लोग अपने जीवन में चोरी, डकैती और साथ ही साथ ना जाने कितने अन्य तरह के पाप करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें कोई भी नहीं देख रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान हर व्यक्ति को हर पल देखते रहते हैं। इसी कारण से इस दुनिया में कर्म का सिद्धांत बनाया गया है और जो व्यक्ति अपने जीवन में जैसा कर्म करता है उसे आने वाले समय में वैसा ही भोग भोगना पड़ता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपको आपके कर्म के हिसाब से कैसा जन्म मिलने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। महर्षि वेद व्यास ऋषियों को बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को स्त्री का सम्मान करना चाहिए और कभी भी उसे वे वजह परेशान नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में ऐसा करता है उसका अगला जन्म भेड़िए के रूप में होता है, उसके बाद वो उससे अगले जन्म में कुत्ता बनता है और उससे अगले जन्म में सियार और उससे अगले जन्म में गिद्ध और उससे अगले जन्म में सांप तथा कौआ और उसके बाद अंत में बगुला बनता है, जिसके बाद उस इंसान का जन्म एक बार फिर से मनुष्य योनि में होता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी अपने बड़े भाई का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई पिता के तुल्य होते हैं। इस कारण से उनका हमेशा ही आदर और सत्कार करना चाहिए। लेकिन जो भाई अपने जीवन में अपने बड़े भाई का अनादर करते हैं, ऐसे लोगों को अगला जन्म कौंच नामक पक्षी के रूप में लेना पड़ता है, जिसकी आयु 10 वर्ष की होती है। लेकिन अगर उस पर प्रभु की कृपा हो जाती है तो उस पक्षी को जल्द ही मनुष्य की योनि प्राप्त हो जाती है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि चोरी करना पाप होता है और इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो चोरी वस्त्र की हो या फिर सोने की। जो व्यक्ति अपने जीवन में वस्त्र की चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म तोते के रूप में होता है। वहीं पर जो व्यक्ति अपने जीवन में सुगंधित पदार्थों की चोरी करता है, ऐसे व्यक्ति का अगला जन्म छछुंदर के रूप में होता है। महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि जीवन में किसी की हत्या करना जघन्य अपराध है और जो व्यक्ति इस अपराध को करता है उस व्यक्ति का अगला जन्म गधे के रूप में होता है। लेकिन यदि उस व्यक्ति की हत्या भी उसी हथियार से हो जाती है तब उसका अगला जन्म मृग योनि में होता है, जिसके बाद उसका अगला जन्म मछली, फिर कुत्ते के रूप में, बाघ के रूप में होता है और उसके बाद जाकर के उस व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है।